हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग बजी और अडल्ट बजी के बारे में। कई बार क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा बजी यंग है और कौन सा अडल्ट। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं और बजीज रखने के शौकीन हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि बजी यंग है या अडल्ट। तो एक एक करके मैं सभी डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको यंग बजी और अडल्ट बजी भी दिखाऊंगी, जिससे आप इजीली जान पाएंगे कि यंग बजी और अडल्ट बजी में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, सबसे पहला डिफरेंस जो आपने नोटिस करना है यंग बजी और अडल्ट बजी में, वो है इनका हेड। जो यंग बजी होगा उसके हेड पे स्ट्राइप्स होंगी जो नोज से स्टार्ट होकर नेक तक जाएंगी। जैसे जैसे बजी बड़ा होता जाएगा, जब वो अडल्ट हो जाएगा तो उसका हेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बजी यंग है या अडल्ट, वो आप नोटिस कर सकते हैं उनकी नोज़ में। जो यंग बजी होगा उसकी जो नोज़ होगी वो थोड़ी वाइट होगी या पिंकिश भी हो सकती है, और जो अडल्ट बजी होगा उसकी जो नोज़ है वो ब्लू होगी और वाइट होगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर बजी मेल है तो उसकी जो नोज़ होगी वो डार्क ब्लू हो जाएगी, अगर बजी फीमेल है तो उसकी नोज़ वाइट हो जाएगी। गाइस, यंग बजी और अडल्ट बजी की आइज़ में भी डिफरेंस होता है। जो यंग बजी होता है उसकी आइज़ बिल्कुल ब्लैक होती हैं, और जो अडल्ट बजी होता है उसकी आइज़ के साइड में एक वाइट कलर की रिंग आ जाती है, और उसका जो आयरस है वो बहुत छोटा हो जाता है। आप आइज़ को नोटिस करके इजीली पता लगा सकते हैं कि बजी यंग है या अडल्ट। आप बजीज के बीक को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि बजी यंग है या अडल्ट। जब बजी यंग होता है तो उसकी जो बीक होती है वो थोड़ी ब्राउनिश होती है, मतलब कि उसकी बीक पे थोड़ी पिगमेंटेशन होती है, थोड़ा सा दाग धब्बे होते हैं। जैसे जैसे बजी बड़ा होता जाता है तो वो उसकी जो बीक है वो येलो कलर की हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो पिगमेंटेशन होती है वो भी दूर हो जाती है, तो बिल्कुल क्लियर और एक बिल्कुल साफ बीक निकल कर आती है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि बजी यंग है या अडल्ट। तो गाइस, एक और डिफरेंस है जिससे हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यंग बजी और अडल्ट बजी को। आपने देखा होगा कि बजीज की नेक पे डॉट्स होते हैं। जो यंग बजी होगा उसकी नेक पे डॉट्स नहीं होंगे। जैसे जब भी बजी 2 मंथ्स का होता है तभी तक उसके नेक पे डॉट्स नहीं बनेंगे। जैसे जैसे बजी बड़ा होता जाएगा तो उसकी नेक पे डॉट आ जाएंगे, और वो धीरे धीरे करके डार्क भी हो जाएंगे। तो अडल्ट बजी के नेक पे जो डॉट्स होते हैं वो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, और 2 से 3 भी डॉट्स हो सकते हैं। कि ये मेरा अडल्ट बजी है, आप इसका हेड देखिए, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके हेड पे बिल्कुल भी स्ट्राइप्स नहीं रही, बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए। और इसकी आइज़ देखिए, इसकी आइज़ के साइड पे वाइट कलर की रिंग भी है, ये देखिए। और अब इसका नोज़ देखिए, बिल्कुल ब्लू हो गया है। ये मेल बजी है इसलिए इसका जो नोज़ है बिल्कुल ब्लू है, ये देखिए। इसकी बीक देखिए, इसकी बीक पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं रही, ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ये देखिए। और येलो कलर की हो गई है, और इसकी नेक पे डॉट्स भी आ गई हैं, बिल्कुल डार्क, और कितनी अच्छी है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा अडल्ट बजी। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यंग बजी। आप देख सकते हैं कि इसके हेड पे स्ट्राइप्स हैं, इसका हेड अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसकी आइज़ देखिए, बिल्कुल ब्लैक हैं। इसकी आई पे अभी साइड में वाइट रिंग नहीं आई है, बिल्कुल ब्लैक आई है, देखिए। अब हम बढ़ते हैं इसकी नोज़ की तरफ, ये देखिए, अभी ये थोड़ी पिंकिश लग रही है, अभी इसका कोई कलर नहीं आया है, आई मीन ना ही तो ये अभी ब्लू हुई है और ना ही पूरी तरह से वाइट।
ये देखिए इसकी बीक भी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से येलो नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर और थोड़ा वाइट भी लग रहा है। और जो लास्ट डिफरेंस मैंने बताया था कि इस इनकी नेक पे जो डॉट्स होते हैं, तो आप देख सकती हैं मेरे यंग बजी के नेक पे अभी डॉट्स नहीं आए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल छोटा सा डॉट अभी बना है, बनना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे जैसे मेरा बजी बड़ा होता जाएगा तो ये डॉट्स भी बड़ी होती जाएंगी, ये देखिए। आई होप गाइस आपको सभी डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप जब भी बजीज को ख़रीदने के लिए जाएं, जहाँ आपके घर में बजी है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आप जो बजी ख़रीद रहे हैं या आपके घर पे जो बजी है वो यंग है या अडल्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।